अंजनगांव सुरजी तालुका के पांडरी खानापुर गांव में अनुसूचित जाति व नवबौद्ध शासकीय निवासी विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा निशा गणेश जगदेव, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है, पायवीर गांव मेलघाट की रहवासी है। इस छात्रा पर 1 अगस्त के रोज शाम के वक्त इसकी ही विद्यालय के कुछ शिक्षकों ने अति प्रसंग कृत्य किया और अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए पीड़ित को मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके की तकरार पीड़ित की मां ने अंजनगांव पुलिस स्टेशन में दाखिल करवाई है। पीड़ित छात्रा के हॉस्टल से 1 अगस्त के रोज उसके माता पिता को फोन पर बताया गया था कि निशा की तबीयत खराब है और उसे शासकीय रुग्णालय अंजन गांव में भर्ती कराया जा रहा है और वह काफी बीमार हो चुकी है। जब पीड़ित की मां रुग्णालय पहुंची तो उसने देखा पीड़ित का शव मृत अवस्था में बेड पर रखा हुआ है। उसने तुरंत वहां के वरिष्ठ डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी को इसी हालत में रुग्णालय लाया गया था। उसकी मां का आरोप है, मेरी बेटी के साथ असामाजिक कृत्य किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। परिवार वालों की मांग है कि इस घटना में जो भी लोग आरोपी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। मेरे मुन्ने फोन करा था मेरे को रात को कि तुम्हारी लड़की बेहोश है करके रात को 11 बजे। तो मैंने बोला कि उसके पास मोबाइल दे, तो बोले वो बात करने की स्थिति में नहीं है, बोलते तुम सरकारी दवाखाने में आ जाओ। किसका फोन आया था? राय बोले का फोन आया था। ओके, तो मैंने बोले उसको सरकारी में मत लेके जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, कितने पैसे लगेंगे तुम्हारी, इतने बोले आप सरकारी में आओ। बोले लड़की कौन सी क्लास में थी? 10वीं क्लास में। मैंने 12 बजे कॉल किया था तो पेपर चालू थी उसकी। सवेरे 12 बजे मैंने फोन किया था, मैंने बोला निशा जगदेव से बात कराओ, तो बोलते भाई अभी पेपर चालू है, बोलते डिस्टर्ब मत करो, बोलते उनको। तो उसके बाद में आपकी कोई बात नहीं? नहीं बात नहीं। फिर 11 बजे डायरेक्ट बोलते कि ये बेहोश पड़ी है, बोलते बेहोश बहुत सीरियस है, बोलते आप आ जाओ, बोलते दवाखाने। पहले तो अंदर ही नहीं जाने दिया। हाँ। फिर बोलते कि मैंने बोली सर मैं आशा वर्कर हूँ, मैंने बोली मैं लोगों का जान बचाती, मेरी बच्ची का जान मेरे को क्यों नहीं देखने दे रहा, क्या होगा? तो बोलते अच्छे, बाकी लोग बोलते अच्छे, बोले वो दो लड़की बोलते अच्छे, तेरी लड़की बोलते कल सवेरे तक के जिंदी हो जाएंगी, बोलते कुछ नहीं उसको मरी नहीं, बोलते क्यों बोल रहे, बोले मरी है करके। मैंने बोली मेरी बच्ची कैसी पड़ी मेरे को देखने दो, तो नहीं बोलती सवेरे तक अच्छी हो जाएगी बोलते। फिर मैं ओपीडी में गए, सर को बोला सर मैं आशा वर्कर हूँ, मेरी बच्ची को मेरे को देखने दो, बचाने दो, मैं लोगों का जान बचाती हूँ, मेरी बच्ची को क्यों नहीं देखने दे रहा। तो सर मेरे साथ गए, सर को मैंने बोली सर ये बच्ची तो मर गई, तो सर बोले, मैंने बोले इसको क्या हो गया, आपने ट्रीटमेंट करे कि नहीं? तो बोले भाई कौन घंटा से मैंने उसको ट्रीटमेंट कर रहा, बोलते पर वो जीवंत का एक भी लक्षण नहीं दिखा, बोले उसके उधर से हाँ ऐसे चलाई, बोलते हाथ पे मरी हुई, यहाँ पे जीवंत का एक भी लक्षण नहीं था, बोलते वो लड़की थी वो बाहर थे वो सर भी वो सर को मन बोले सर तुम इतनी इतनी बात मेरे को फोन पे बताते कि तुम्हारी लड़की को फोड़ो गए लेके जाओ सुधार के लाओ, आज मेरी लड़की मर गई बाद में तुमने कॉल किया, मैंने बोली पहले क्यों नहीं किया, तो मुझे जैसा देखा वैसा भाग गया कि सर बलात्कार हुआ सर एकदम से, मेरी लड़की पेपर देते हुए वो लड़की इतनी अच्छी थी, बीमार नहीं थी, बीमार रहते तो वो घर पे हमको फोन करते थे, वो लड़की ने पेपर दिया कुछ खाना गिना खाया उसको कुछ दबाव डाला उसका बलात्कार हुआ तब उसका अधिकारी शाळेचे मुख्य अध्यापक शाळेचे टीचर हे ज्या प्रकरणाला कारण होते आणि चौक प्रकरण आहे, सगळं चांगलं समर्थन भेटलं, योग्य कारवाई करू, कारवाई करेंगे बोले, न्याय मिलेगा आपको बोलते, लेकिन कब मिलेगा सर, मेरे बच्चे का तो जान गया था। इस घटना के बाद से ही पांडरी की परिस्थिति बिगड़ी हुई है, जिसके चलते पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। फिलहाल पीड़िता के शव को अमरावती स्थित सामान्य रोगनालय के मर्चुरी विभाग में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पीड़िता के मृत्यु की असली वजह सामने आ पाएंगी, लेकिन पीड़ित के रिश्तेदार ने VCN न्यूज से बात करते हुए बताया कि परिवार वालों ने जिस अवस्था में पीड़िता के शव को देखा था उससे यह महसूस हो रहा था कि पीड़िता के साथ किसी प्रकार की क्रूर घटना को अंजाम दिया गया है। जो अंजनगांव सुरजी तालुके के पास में पांडरी बोल के गांव है, जो उस वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मागासोर की वस्ती ग्रह जो पड़ता है, जहाँ पर 5वीं से 10वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। हमारी बच्ची का नाम निशा गणेश जगदेव है, जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। घटना के पहले दिन लड़की ने फ़ोन किया घर पे कि वो उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसी दिन हमारे जो कुटुंब के लोग थे उसको मिलने गए, लेकिन स्कूल के प्रशासन ने मुख्याध्यापक ने वहाँ से हमको आने से मना कर दिया। कि दूसरे दिन रात को फ़ोन आया 1 तारीख को कि बच्ची को उल्टी हो गई, तो दूसरे दिन हम 2 तारीख को वहाँ गए तो हमको आने से मना कर दिया, तो हम जबरदस्ती हॉस्टल में घुस गए, तो वहाँ स्कूल के प्रशासन से पूछा मुख्याध्यापक को हमारी लड़की कहाँ है,
तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी लड़की को अंजन गाँव में पेट दुखने के कारण तो हमने अंजन गाँव ग्रामीण रुग्णालय में भर्ती कर दिया। लेकिन भर्ती करने के बाद वहाँ पर हम सब लोग वहाँ गए तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ये लड़की को गुप्त अवस्था में यहाँ पर एडमिट किया था, लेकिन बच्ची की जब तक जान चली गई थी। तो उसके बाद में हमने सब लोगों को फोन करके पूछा कि हमारे बच्चों क्या हुआ, लेकिन प्रशासन ने वहाँ के स्कूल प्रशासन ने बताने से इनकार कर दिया, जिसके चलते हम लोगों को यह शक है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ लोगों ने मिलकर असामाजिक कृत्य किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहाँ जाने के बाद में मालूम आती है तो कोई नहीं था वहाँ पे, तो ऐसी घटना बहुत सी है। रवि धिक्का नाम का लड़का वहाँ पे मर गया, वो एक लड़की ने कुएं में जान दी कि वहाँ पे उसकी भी मर गई, ये तीसरा प्रकरण वहाँ पर हो गया। तो गोर गरीब बच्चों का वहाँ पे ऐसा मरना, ये शासन के लिए और यहाँ के जो सांसद है उनके लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि हमने उसको अर्जा करने के बाद भी हमारी बच्ची की जान गई। इसके अलावा और भी बच्ची की जान वहाँ जा सकती है, इसके पालक मंत्री इसकी जवाबदारी स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों के बच्चे वहाँ क्यों मर रहे हैं। और शाला प्रशासन इतना खर्चा कर रहा है मागासोर के लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, आदिवासी के लिए, तो ये दो दो बजे तक बच्चों को खाना नहीं देते। तो हमको हमारे बच्चे के बारे हमारे बच्चे की जान गई है, लेकिन दूसरे बच्चों और वहाँ पर नहीं मरना चाहिए। इसलिए शासन ने इस लोगों पर मनुष्यवध का गुनाह दाखिल करना चाहिए 302। और हमको ऐसा भी लग रहा है कि हमारे बच्चे के साथ में अति प्रसंग हुआ, उसकी भी जांच होना जरूरी है। और जिन लोगों ने ये काम किया, ये घृणास्त काम किया, जो बच्ची के कपड़े फटे हुए, बच्ची के आंख पर जो निशान के दिख रहे हैं, इससे हमको लग रहा है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है, उसके हम सब सदमे में हैं। और हम कलेक्टर से या पालक मंत्री से रिक्वेस्ट करते, विनती करते कि ऐसे प्रशासन एक तो इन पर गुनाह दाखिल करो, नहीं तो ऐसे स्कूल बंद कर दो। जो गरीब बच्चों के भूखमारी से पहले तो मेलघाट परेशान है, उससे और हमारे बच्चों की ऐसी जान गई जाएंगी तो और भी ये जिले में किसी का प्रशासन पर भरोसा नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने बड़े ही जोरों शोर से स्वच्छ भारत अभियान संकल्पना की शुरुआत की थी और यह व्यवस्था अभी तक चली आ रही है, जिसके पीछे मकसद था सारे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का, और इसलिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए और इस कार्य के लिए बड़े पैमाने पर शासन भी जुटा हुआ है। खास तौर पर अमरावती जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे, इन्होंने जिस भी जगह पर कचरा देखा ऐसे स्थानों पर अधिकारियों पर फौजदारी का गुनाह दाखिल करने का आदेश दिया। इसी संदर्भ में प्रहार जनशक्ति पक्ष के कुछ कार्यकर्ता तहसील कार्यालय में कुछ शासकीय काम के लिए गए हुए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदगी और अव्यवस्था देखी, जिसके चलते उन्होंने तहसीलदार अमोल कुंभार इनके ध्यान में ये सारी चीजें लाई और कहा कि त्वरित तौर पर कार्यालय की स्वच्छता की जानी चाहिए, और इस बाबत VCN न्यूज पर भी खबर प्रसारित की गई थी। इस मामले में तत्काल दखल देते हुए 1 अगस्त को सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी व चपरासियों ने मिलकर कार्यालय को पूरी तरह से स्वच्छ किया, लेकिन प्रशासन को इस कार्यालय को इसी तरह स्वच्छ रखना चाहिए जिससे यहां आने वाले नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो। ऐसी मांग प्रहार के जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वड़तकर, विधानसभा प्रमुख प्रदीप चौधरी, डॉक्टर दिनेश मला, बापू साहेब साबड़े, सुधीर पवित्रकार, शंभु गावंडे आदि ने की है। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों से भारतीय शिक्षण संस्थाएं महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित स्वच्छता गृह का आग्रह कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा इन स्वच्छता गृह के निर्माण कार्यों पर वह अड़ी हैं। स्वच्छता के विषय को गंभीरता से विचार करते हुए महिला संगठनाएं रास्ते पर उतरकर स्त्री और पुरुषों के लिए स्वच्छता गृह की मांग कर रही हैं। पुरुषों द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक गंदगी से सभी के स्वास्थ्य को धोखा निर्माण हो सकता है। स्वच्छता गृहों की निर्मिति स्वच्छ भारत अभियान का अंग है। खुले में शौच करना ये बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है। यूं तो सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुले में पेशाब कर अपने साथ अपने गली मोहल्ले और शहर का भी नाम बदनाम करते हैं। यह विषय महिलाओं की आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, जिस वजह से भारतीय स्त्री शक्ति संगठना 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत अब खुले में बंद अभियान शुरू कर रही है। हा कार्यक्रम जनजागृतीचा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत म्हणून आपण नेहमी नारा देतो, पेपर मध्ये वाचतो आणि टीव्हीवर सुद्धा याचं सतत याची प्रसिद्धी असते, परंतु आचरणात मात्र आपण आणत नाही।
महिलांकरता जे असतं की तुम्ही इथे हे नका करू, इथे घाण नका करू, तिथे घाण करू, पण हे नियम मात्र पुरुषांना कधीच लागू होत नाही। म्हणून भारतीय स्त्री शक्ती तर्फे आम्ही पुरुषांकरता हे आंदोलन म्हणा किंवा एक स्वच्छता अभियान आम्ही या ठिकाणी राबवतो आहो। टीव्हीवर बघत असतो तसं हे उघड्यावर बंद असं भारतीय स्त्री शक्तीचं म्हणणं आहे। कुछ तो शर्म करो खुले खुले में अब बंद करो, वह जाएगी इज्जत पानी में, खुले में पेशाब ना करो नादानी में, देश की इज्जत से खिलवाड़ बंद करो खुले में पेशाब, काहे की डिग्री काहे का जाप करते हो अगर खुले में पेशाब, स्टैंडर्ड मिलेंगे धूल में जब करोगे पेशाब खुले में। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़िया, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल शूज व सैंडल, होम डेकोर मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43-48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती व पूर्व पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर अमरावती महानगर पालिका में इन दोनों ही महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस दिन को स्वच्छता दिवस के तौर पर भी मनाया गया। गौरतलब हो कि पिछले 4 सालों से 2 अक्टूबर के दिन को स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिले में 2 अक्टूबर को अमरावती महानगर पालिका के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागृह में स्वच्छता शपथ भी ली गई। और इस अवसर पर अमरावती शहर के महापौर संजय नरौने ने अपने हाथों से गांधी बापू व लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माला अर्पण की। इस अवसर पर पूर्व महापौर विलास इंगोले, मनपा आयुक्त संजय निपाने, भाजपा संगठन मंत्री शिवराय कुलकर्णी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए मनसे प्रकरण के बाद
यह पहला मौका था कि जब महानगर पालिका के सभी कर्मचारी एक जगह एकत्रित हुए थे और इस माला को अर्पण करने के बाद महानगर पालिका के कर्मचारियों ने अपने हड़ताल को विराम देते हुए अपने कार्य पर लौटने की भी घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। देश की स्वतंत्रता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बड़ा योगदान था। इस योगदान को देखते हुए हर साल उनके सम्मान में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अवकाश होता है। इस मौके पर स्कूलों और सरकारी संस्थानों में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसी मौके पर अमरावती शहर में भी जगह जगह गांधी जयंती मनाई गई। अनेक स्कूलों में गांधी जयंती के अवसर पर स्पर्धाएं भी ली गई। श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने गांधी जयंती के अवसर पर कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी की वेशभूषा धारण कर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए रैली निकाली और गांधी जी का चरखा चलाते हुए बच्चे इस समय नजर आए। On behalf of Kasturba English Primary School, we have tried all our best to create awareness in our surrounding, and we tried all our best to our students had dressed up in Mahatma Gandhiji as well as in Kasturba. And they tried to go house to house and create a awareness program and made the people aware that to have the attitude of Gandhiji and create our surrounding clean and tidy. अमरावती के साथ ही अन्य शहरों में भी अनेक उपक्रमों द्वारा गांधी जयंती मनाई गई। दरियापुर के पंचायत समिति में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान अंतर्गत पंचायत समिति का परिसर साफ किया गया। यह उपक्रम पिछले 4 सालों से लिया जा रहा है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य सुनील डोके, पंचायत समिति सभापति गजानन देवतले, उपसभापति राजू करोड़, गट विकास अधिकारी सुधीर अरबट, इनके साथ कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने अपना कार्यालय साफ किया। स्वच्छता दिवस के इस अवसर पर महात्मा गांधी को याद करते हुए अमरावती शहर के बडनेरा परिसर में भी स्कूल के छात्र छात्रा और बचत गट की महिलाओं की ओर से भी स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और महिलाओं ने सहभाग लिया। इस रैली के जरिए लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता जगाने की कोशिश की गई और रास्तों से गुजरकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां अपने हाथों में स्वच्छता की तख्तियां लेकर शहरवासियों में स्वच्छता का भाव जगाते नजर आए।
रैली में बडनेरा परिसर की सरकारी और प्राइमरी स्कूलों ने सहभाग लिया, जिसमें मुख्य तौर पर मराठी मीडियम प्राथमिक शाला, उर्दू एसोसिएशन, हलीमा उर्दू स्कूल और कई स्कूलों ने सहभाग लिया। इसके साथ साथ कई महिला बचत गट भी इस रैली में स्वच्छता का संदेश देते हुए नजर आए। गांधी जयंती 2 ऑक्टोबर, मुलांना स्वच्छतेचं महत्त्व गांधीजींनी त्यावेळेस पण सांगितलं होतं, पण देश स्वतंत्र होणे एवढे वर्ष झाली पण स्वच्छता पाहिजे तशी रुजवली गेली नाही। तर आज या रॅली निमित्त आणि गांधी जयंती निमित्त आम्ही मुलांना स्वच्छतेचे धडे दिले। त्यामागील उद्देश एवढाच की आता जे साथीचे रोग आलेले आहेत त्याचं निर्मूलन व्हावं, कुठेतरी आळा बसावा आणि प्रत्येकाला स्वच्छतेचं महत्त्व कळावं म्हणून विद्यार्थ्यांना शाळेपासून घरापासून आम्ही स्वच्छतेचे धडे आज दिले। आत्ता जर आजचा विचार केला तर 150वी नॉट आउट अशी जयंती महात्मा गांधीजींची आहे, ज्या महात्म्यानं असे सत्याचे प्रयोग दिले की त्या सत्याच्या प्रयोगाच्या भरोशावरती आज कित्येक जण चांगले चांगले सामाजिक कार्यकर्ते घडून येत आहे। दुसरा महत्त्वाचा संदेश की स्वच्छता, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती, तर महात्मा गांधीचा हा संदेश जागोजागी पोहोचवण्यासाठी, घराघरामध्ये पोहोचवण्यासाठी एकूणच विद्यार्थ्यापासून ते बालकापासून ते नागरिक महिला ह्या सर्वांसाठी हा संदेश सगळीकडे पोहोचला जावा म्हणून या रॅलीचं आयोजन होतं। VCN न्यूज के लिए सागर तायडे, शफीक अहमद, किरण होले और शम्स अंसारी की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2018 को खामगांव नगर पालिका द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती निमित्त स्वच्छ भारत अभियान, इस कार्यक्रम की चौथी वर्ष पूर्ति यह स्वच्छता ही सेवा है इस उपक्रम अंतर्गत सुबह 7:30 पर नगर परिषद कार्यालय में हीरा लाल जी बोर्डे स्वास्थ्य सभापति के हाथों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को माला अर्पित कर नगर परिषद के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक वृंद और शाले विद्यार्थियों की स्वच्छता बाबत जन जागृति प्रभात फेरी नगर परिषद के कार्यालय से तिलक पुतला होते हुए भारत कट पीस, जगदम्बा चौक, अग्रसेन चौक, गांधी बागीचा तक निकाली गई। बागीचा में हीरालाल बोर्डे स्वास्थ्य सभापति किशोर भोसले, वैभव डौरे मुख्य अधिकारी धनंजय बोरीकर के हाथों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले की पूजा तथा दीप प्रज्वलित कर हार अर्पित किया गया। इसके पश्चात नगर परिषद के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक वृंद और शाले के विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अधिकारी ने स्वच्छता का महत्व समझाया और शिक्षक वृंद विद्यार्थियों के माध्यम से प्रभावी रूप से स्वच्छता विषय में सक्रिय सहभाग किस तरह दे सकते हैं ऐसा विश्वास भी व्यक्त किया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन किशोर भोसले ने किया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यही से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपी एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नानगांव पेट, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद
ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र अंबादेवी मार्केट अंबादेवी अमरावती। स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए 11 जिलों में और 120 तालुकाओं में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की तरफ से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर पृथक विदर्भ को लेकर धरना आंदोलन किए गए। इसी सिलसिले में अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को मालार्पण कर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय आत्मा क्लेश अनशन किया गया। महाराष्ट्र में रहकर भी विदर्भ का विकास आज तक नहीं हुआ। विदर्भ के युवाओं को नौकरी न मिलने से उन्हें नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ऐसी ही और भी समस्याओं से विदर्भ की जनता अनेक दिक्कतों का सामना कर रही है, जिस वजह से विदर्भ राज्य आंदोलन समिति और अन्य विदर्भ वासियों ने पृथक विदर्भ की मांग की है। आमची वेगळ्या विदर्भाची लढाई या करता आहे की विदर्भात प्रचंड अन्याय झालेला आहे आणि दोन वेगळे विदर्भ मराठी भाषिकांचे दोन राज्य जर झाले तर त्यामध्ये काही नुकसान नाही। केंद्रामध्ये विकसित आणि अविकसित हे असे दोन घटक आहे राज्याच्या संदर्भात। महाराष्ट्र विकसित राज्यामध्ये येते, त्यामुळे महाराष्ट्राला केंद्राकडून नेहमी पैसा कमी मिळतो आणि महाराष्ट्राकडे कमी पैसा मिळत असल्यामुळे विदर्भाकडे अजिबात पैसा मिळत नाही। विदर्भ जर वेगळा झाला तर केंद्राकडून त्या सूत्रानुसार अधिक पैसा मिळेल। दोन मराठी भाषिकांना जर जास्त पैसा मिळत असेल तर त्यामधून विदर्भाचा विकास निश्चितच जबरदस्त होईल। छोटी छोटी राज्य तेलंगणा तुमचं छत्तीसगड याचा विकासाचा दर जर पाहला तर प्रचंड आहे। वेगळा विदर्भ जर झाला, विदर्भामध्ये पोटेन्शियल आहे, सगळं काही आहे, सगळं म्हणजे खनिजापासून तर कापसाचा बेल्ट संत्र्याचा बेल्ट हा सगळा उत्कृष्ट बेल्ट आहे आणि वेगळा विदर्भ जर झाला तर हा विकास खूप जबरदस्त गतीने होईल, कदाचित पंजाब आणि हरियाणाच्या बरोबर। इस मौके पर राजेंद्र भागरकर, डॉक्टर विजय कुबळे, लक्ष्मण वानखेडे, किशोर मसराम, आरती गुप्ता, मोहन बुंदेले, विजय मोहन के साथ अन्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के वर्धा सेवाग्राम में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का आगमन हुआ, जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा व UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व कांग्रेस के कई सियासी दिग्गज मैदान में उतरे थे। इस अवसर पर अमरावती शहर से भी पूर्व विधायक राव साहब शेखावत के नेतृत्व में कांग्रेस कर्ताओं ने वर्धा के लिए कूच किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वर्धा कूच से पहले पूर्व विधायक राव साहब शेखावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने एक जगह जमा होकर भारतीय जनता पार्टी का निषेध व्यक्त किया और गांधी बापू की प्रतिमा को माला अर्पण कर उसके बाद बसों के जरिए सभी कार्यकर्ता वर्धा के लिए रवाना हुए। आज महात्मा गांधी जींची जयंती आहे 2 ऑक्टोबर आणि आमचे नेते राहुल जी गांधी महाराष्ट्राचे आमचे काँग्रेसचे अध्यक्ष माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब यांनी जो पुकारा दिला आहे चलो वर्धा, हिच्यासाठी आज अमरावतीहून खूप मोठ्या संख्येने लोक उत्साहित होऊन आम्ही सगळे वर्ध्याला जात आहोत। आमचे सगळे नेते मंडळी आज वर्ध्याला येत आहे आणि तिथे महात्माजी गांधींचं जे सेवाग्राम आहे तिथे काँग्रेस वर्किंग कमिटीची मीटिंग होणार, त्यानंतर राहुलजींची जवळजवळ 8-10 किलोमीटरची पदयात्रा होणार आणि त्याचं समापन हे सभेच्या स्वरूपात होणार। आपको बता दें की काँग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी व काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
अशोक राव चौहान ने कुछ दिनों पहले चलो सेवाग्राम यह आह्वान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था। इस अवसर पर वर्धा में एक रैली का आयोजन किया गया। उसके बाद इस रैली ने लगभग 8 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा की, जिसके उपरांत यह रैली एक विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों को कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। हम गांधी जी की याद में आए हैं और आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हम यहाँ याद करते हैं। गांधी जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी ने ना किसी से नफरत की, ना किसी के बारे में गलत बोला, ना किसी से हिंसा की। प्यार से, भाईचारे से महात्मा गांधी जी और उन दिनों के हिंदुस्तानी लोगों ने दुनिया के सुपर पावर को हराया। लड़ाई करने का एक नया तरीका दिखाया। पूरी दुनिया में हिंसा थी, वर्ल्ड वॉर टू का समय था, हिटलर का समय था, बम गिर रहे थे और हिंदुस्तान के नेता ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, क्या वो सच बोल रहे थे या झूठ? यहां मुझे युवा दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मेरे प्रधानमंत्री के बनने के एकदम बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने सच बोला था या झूठ? किसानों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भा, महाराष्ट्र के किसानों से नरेंद्र मोदी ने कहा था, सही दाम दिलवाऊंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। विदर्भा के किसानों, वर्धा के किसानों, हिंदुस्तान के किसानों, क्या नरेंद्र मोदी ने आपसे सच बोला था या झूठ? ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। संपूर्ण भारत में 2 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती व इसके साथ ही पूर्व पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक पर शासन के विरोध में और बढ़ती महंगाई को लेकर मुख आंदोलन किया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता की फोटो पर माला अर्पण कर शासन का निषेध किया और बताया कि यह सरकार गरीब विरोधी है और इस सरकार के राज में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इससे देश के लोगों का जीना दूभर हो गया है। इन्हीं सब बातों का निषेध करते हुए राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक पर मूक प्रदर्शन किया। ऐसा ही एक आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बुलढाणा में भी देखने को मिला, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर माला अर्पण की और बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना व मूक आंदोलन किया। इस अवसर पर बुलढाणा के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यह बात भूल गए कि महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, लेकिन उन्हें थोड़ी ही देर बाद अपनी इस भूल का एहसास हुआ और उनके ही कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर भी माला अर्पण की और उसके बाद दोबारा से अपने मुख आंदोलन को शुरू किया। भारताला जय जवान जय किसान चा तेवढा अभिवादन देणारे लाल बहादुर शास्त्री आणि महात्मा गांधी यांना विनम्र अभिवादन करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या जिल्ह्यात सर्वत्र ठिकाणी या निषेध मूक मोर्चा करून या शासनाच्या धोरणाचा निषेध करीत आहे। म्हणजे 4 वर्षामध्ये सरासरी महागाईच्या जवळपास 4 वर्षाची दाम दुप्पट सर्वीकडे महागाई झाली आहे। शासनाचा धोरणाचा सर्वीकडे फज्जा उडाला आहे। महात्मा गांधी अहिंसेच्या मार्गाने गेले, आंदोलनाने मार्गाने गेले आणि त्या महात्मा गांधींच्या तत्वाचा आचरण करून त्यांच्यावर विचारावर आचारावर श्रद्धा ठेवून आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जिल्ह्यात सर्वच मतदारसंघामध्ये सर्वच तालुक्यावर एक मुख आंदोलन मुख घटक ठेवून त्यांचा निषेध करीत आहे। बुलढाणा से VCN प्रतिनिधि महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।
अमरावती शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी सदस्य बादल कुलकर्णी, इनकी नियुक्ति बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्यों के महासचिव पद पर की गई है। बीते 30 सितंबर को पुणे में महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में महाराष्ट्र युवा कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष योगेश अन्ना किड़ेकर, इन्होंने बीजेपी युवा कार्यकारिणी सदस्य बादल कुलकर्णी की नियुक्ति युवा कार्यकारिणी के महासचिव पद पर की। इस पद को ग्रहित करने के बाद जब वह पुणे से अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर ट्रेन से उतरते ही रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके गले में फूलों की मालाएं भी पहनाई गई। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में बडनेरा रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए थे। वहां पहुंचकर उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला अर्पण भी की। इसके साथ साथ महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी युवा कार्यकारिणी के महासचिव पद पर नियुक्त बादल कुलकर्णी ने VCN न्यूज से बात करते हुए बताया कि पार्टी के तरफ से दी गई इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का वह पूरे कर्तव्य के साथ निर्वाहन करने की कोशिश करेंगे और वह अपनी पार्टी और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की समस्याओं को पहले से ज्यादा त्वरितता से हल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने समर्थकों और अपनी पार्टी का शुक्रिया भी अदा किया और बताया कि पार्टी ने इससे पहले मुझे जो भी जिम्मेदारी दी थी, मैंने उसे अपनी तरफ से 100% पूरा करने की कोशिश की। शायद मेरे परिश्रम से खुश होकर आज पार्टी ने मुझे यह इनाम दिया है। प्रथम अपनास आनंदाची बातमी अशी देऊ इच्छितो की भारतीय जनता युवा मोर्चाची गेल्या 30 तारखेला पुणे या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीची, आणि या बैठकीमध्ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष आमदार योगेश अण्णा टिळेकर यांनी मला महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चाचा प्रदेश सचिव म्हणून जबाबदारी दिलेली आहे। त्याबद्दल सर्वप्रथम भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशाचे मी आभार व्यक्त करतो आणि बूथ प्रमुखापासून मी माझा जे कार्य आहे ते सुरू केलं भारतीय जनता पक्षामध्ये, आणि पक्षाने वेळोवेळी मी मला पक्षाने जी जबाबदारी दिली त्याचे निर्वहन मी व्यवस्थित केल्यामुळे पक्षाने त्याची नोंद घेतली आणि नोंद घेऊन पक्षाने मला ही नवीन जबाबदारी दिली। गेल्या 2 वर्षापासून भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीचा सदस्य म्हणून माझ्याकडे दायित्व होतं। भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या संपूर्ण पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी बडनेरा स्टेशनला या ठिकाणी माझं भव्यदिव्य स्वागत केलं, त्याबद्दल मी समस्त मित्रपरिवाराचा आभारी आहे।